इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समय इंटरफेस सिंपोजियम के अवसर पर मैं उस मानवता के महान सूर्य के प्रति जिन्हें लोग सत्यशाही के नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं कि सूर्य अस्त होता है, हकीकत में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, केवल हमारी नजरों से ओझल होता है। और मैं ये कह सकता हूं इस प्रांगण के अंदर विचारों के रूप में वो महासूर्य आज भी मौजूद है जो सबको मानवता की सेवा की प्रेरणा है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा के रूप के अंदर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबकी आत्मा एक समान है। और इसलिए वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, कर्मों से महान बनता है। और यही प्रेरणा सत्यशाही ने भी हमको दी। दूसरे में जैन धर्म ने यह कहा भगवान महावीर ने कर्म मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कि मनुष्य जाति से नहीं कम्मुणो बम्मुणो होई कम्मुणो होई क्षत्रियो, मनुष्य कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जो है वह जन्म से नहीं कर्म से होता है। इसलिए जिसके कर्म श्रेष्ठ है, जिसके संस्कार श्रेष्ठ है और आत्मिक रूप से हम सबकी आत्मा समान है, इसलिए हम सबका समान रूप से आदर करें। अंत में मैं अपनी बात को संपन्न करूं जिससे कि सीमा जी को कार्ड दिखाने की नौबत ना आए, किंतु सामने में सत्य सही की तस्वीर को देखते हुए अभी अभी मेरे मन में जो ख्याल आया कि स्नेहिल नजरों से निहारा वो निहाल हो गया, स्नेहिल नजरों से निहारा वो निहाल हो गया और तिरछी नजरों से निहारा तो वो बेहाल हो गया। आज सभी देखिए गुरु की तरफ, स्नेहिल नजरों से निहारा तो निहाल हो गया और तिरछी नजरों से निहारा तो बेहाल हो गया। अरे अजब नजारा है तेरे नैनों का साईं, नजरे गिरा लीजिए से वो कंगाल हो गया। हम सभी इनके नजरों के प्रति और सबसे बड़ा इनके नजरों के प्रति समर्पण हमारा यही होगा जो उनके अधूरे कार्य जो श्रेष्ठ कार्य है उन सबको हम मिलकर के कैसे पूरा करें। इसलिए मैं समस्त जनमेदनी को आह्वान करता हूँ कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम से ही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। वो अच्छा।